तुहाड़े विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सो बच्चों की एक बहुत उत्सुकता होती है, बहुत उनको रहता है कि वीजा के ट्रेंड क्या चल रहे हैं उसके बारे में पता रहे, खासकर जिन बच्चों की फाइल्स लगी होती हैं, जिन बच्चों ने आने वाले दिनों में फाइल लगानी है, दे आर वेरी मच वॉन्ट टू नो कि यार मेरे प्रोफाइल्स के ऊपर कैसा वीजा ट्रेंड चल रहा है या ऐसे प्रोफाइल्स के ऊपर कैसा वीजा ट्रेंड चल रहा है। तो एक चीज मैं सबसे पहले बता दूं, जो मैं पिछले शो में भी बता चुका हूं कि कनाडा के अंदर इस समय का जो वीजा ट्रेंड है वो आज तक की कनाडा की हिस्ट्री के अंदर सबसे शानदार वीजा ट्रेंड चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 100% वीजा। अब प्रोफाइल वाइज बात करें या कॉलेजेस वाइज बात करें तो जो एसटीएस केस हैं वो कहीं पर भी निगलेक्ट नहीं हो रहे, वो अपने वीजा से ही हासिल कर रहे हैं। अब जो एसडीएस के केसेस गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उनके तो डिक्लाइन होने का कोई भी सवाल पैदा नहीं हो रहा, दे आर ऑलमोस्ट ऑन 100% वीजा सक्सेस रेट एट द मोमेंट। सो दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई। अगर जिन्होंने अप्लाई नहीं किया भाई जल्दी से जल्दी अप्लाई करो, जल्दी से जल्दी अपनी फाइल को अम्बेसी पहुंचते करो, क्योंकि कनाडा का जो टारगेट इस साल था वो 9.5 लाख वीजा का था जो वो पूरा करेंगे, उनका पूरा अनुमान है, और अगले साल उनका टारगेट जो है वो 1 मिलियन से ऊपर वीजा का है, मतलब तकरीबन 11 से 11.5 लाख तक वीजा जा सकता है अगले साल। सो जो वीजा सक्सेस रेट है वो कहीं पर भी गिरने की आशंका नहीं है। अगर कनाडा इसी टारगेट को अचीव करना चाहता है जैसा उन्होंने 2023 में किया है या उसे बढ़ाना चाहता है तो इसका मतलब वीजा सक्सेस रेट गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो इस इज अ हाई टाइम एंड राइट टाइम दैट यू शुड पुट फॉरवर्ड योर फाइल्स। एज फार हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो उनके अंदर पहले सक्सेस रेट बहुत कम होता था, बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज में फाइल लगा रहे हो लेकिन आपकी फाइल एसडीएस है, ओवरऑल 6 बैंड आपके हैं या ओवरऑल 60 आपके हैं, तो आप मान के चलो कि आपका भी सक्सेस रेट 100% ही रहने वाला है। बट हाँ, कुछ लोग प्राइवेट कॉलेजेस में फाइल्स लगा रहे हैं नॉन एसडीएस, लाइक विद अ पीटी स्कोर ऑफ 56, 55, 58, तो ऐसे जो केसेस हैं इनके अंदर जो सक्सेस रेट है वो कहीं ना कहीं 50% से नीचे ड्रॉप हो जाता है, 20-30% के आसपास रह जाता है, उनको उतना बड़ा सक्सेस रेट नहीं मिलता। एसडीएस में रहना आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कॉलेज या अपनी चॉइस के हिसाब से आप ले सकते हो। ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट है जी कैनेडा के लिए भी, अब आप अप्लाई कर सकते हो सारे ही पैसे, एवरी एक्सपेंस यू कैन पे आफ्टर योर वीजा। सो निश्चिंत और बेफिक्र होकर ब्रॉडवे टीम को मिलें और पूरा कनाडा एप्लीकेशन आप एक पैकेज के रूप में हमारे साथ चला सकें। थैंक यू। तुहाड़े विदेश जाने के सुपने नु देवेगा हकीकत दी उड़ान।